हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्म के बारे में, पीएचपी। ठीक है, पीएचपी फॉर्म। ठीक है, पीएचपी में हम फॉर्म कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसकी जो इनपुट जो कंट्रोल्स हैं उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम सबलाइन एडिटर में काम कर रहे हैं और मैंने फॉर्म डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बनाई है और उसमें मैं बनाने जा रहा हूँ एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप सबसे पहले, आपको पता है कि ये तो आप जानते हैं फॉर्म के बारे में, एचटीएमएल फाइल के बारे में, ठीक है, डॉक टाइप क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ हम इसको हटा के ऐसा करते हैं, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ सबलाइन में मैं सिर्फ एचटीएमएल करके एंटर करूँगा। देखिए, एचटीएमएल लिखा या एचटीएमएल, ये जैसे मैंने एंटर किया, पूरा फॉर्म का जो ये जो बेसिक है, ठीक है, बॉडी और ये एचटीएमएल, ये कंप्लीट अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, ये इसका फायदा होता है। तो यहाँ हम पीएचपी फॉर्म के बारे में जानने, अब देखेंगे कि पीएचपी और आगे बहुत सारे वीडियोज हम देखेंगे किस तरह से हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे सबमिट होता है फॉर्म और इसकी जो वैल्यूज हैं, जो आप वैल्यू सेंड कर रहे हैं फॉर्म की, वो तो किस पेज पर सेंड कर रहे हैं, या आप इसी पेज पर सेंड कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट पेज पर। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे पूरे डीपली, वैलिडेशन वगैरह सब देखेंगे इसमें पीएचपी में। तो ये फिलहाल स्टार्टिंग हमारी इस वीडियो की, ठीक है, इस सीरीज में पीएचपी फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और फॉर्म तो यहाँ मुझे पता है कि आपको इस वीडियो में, अगर आप यहाँ आए देख रहे हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आपको एचटीएमएल तो आता ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और फॉर्म जैसे ही बनाते हैं तो यहाँ फॉर्म का टैग के बाद आप क्या लिखते हैं, मेथड और एक्शन। तो ये भी आपको पता है कि मेथड दो तरह के होते हैं, गेट और पोस्ट। ठीक है, वो हम देखेंगे, जो डिफॉल्ट होता है वो गेट होता है, और उसके बाद आप चाहे तो पोस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका अंतर भी हम देखेंगे। और यहाँ वो पेज का नाम आएगा एक्शन में, जो जहाँ आप रिक्वेस्ट को सेंड करोगे, यानी डेटा जहाँ सेंड होगा। और अगर आप यहाँ खाली छोड़ेंगे तो ये डेटा इसी पेज पर, समझ लीजिए कि इसी पेज पर आपको इसके वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ सेंड हो रहा है। तो मैं इनपुट ले लेता हूँ। देखिए, सबलाइन में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं इनपुट लिखूंगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, INPT और फिर उसके बाद एंटर लिखेंगे, तो ये इनपुट का एक जो है पूरा जो एलिमेंट है वो आ जाता है। तो अब यहाँ देखिए, इनपुट के लिए आ गया। अब यहाँ हम टाइप में टेक्स्ट ले लेते हैं, या नेम ले लेते हैं, यूजर का नेम, वैल्यू तो वहाँ हम एंटर करेंगे फॉर्म पर। और यहाँ आप एक वो डाल दीजिए, जहाँ देखिए ये, इसको देख लेते हैं थोड़ा HTML में किस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ ये सब देख लेते हैं, शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीखेंगे पीएचपी फॉर्म कैसे हम पीएचपी में फॉर्म की जो वैल्यूज है, कंट्रोल्स हैं, उसको कैसे काम करेंगे, कैसे हम उसका डेटा सेंड करते हैं, और कैसे आप उसमें यूआरएल से वैल्यू लेते हो और एक्सेस करते हो। तो डॉलर पोस्ट और डॉलर गेट के बारे में देखेंगे और डॉलर रिक्वेस्ट के बारे में देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो प्लेस होल्डर में आप लिखते हैं सिंपल, जो वहाँ आप कंट्रोल में आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ दिखाना चाहते हो फॉर्म पर, तो वो आप प्लेस होल्डर में आएगा। और ये तो देखिए, ये हमारा फॉर्म समझ लीजिए बन गया है। अभी एक 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 एलिमेंट वो ले लेते हैं इनपुट का, ईमेल के लिए। ठीक है, ये तो हम फिलहाल ले रहे हैं, अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे ज़्यादा और बढ़ाएंगे फील्ड्स। और यहाँ एक ले लेते हैं ईमेल, और एक लास्ट में लेते हैं सबमिट, जो फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें बटन चाहिए। तो देखिए, ये एक इनपुट और आ गया, यूजर ईमेल का। तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये फॉर्म को थोड़ा सा बीआर लगा लेते हैं। अभी हम बीआर लगा रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए भी हम इसमें काम करेंगे आगे। फिलहाल तो हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, और यहाँ इनपुट आ गया, एक हमें सबमिट बटन चाहिए, इसको थोड़ा इधर एडजस्ट कर लें, या फिर ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है नीचे, ये यहाँ आ गया, इसको सही सही कर लेते हैं। फिलहाल ये सीरीज आप देखते हैं, ये बिगनर जो स्टार्टिंग में है वो काफ़ी आइडियाज उनको मिल सकते हैं। जो फॉर्म तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर्म तो आपको आना चाहिए, अगर पीएचपी में काम करें तो फॉर्म आना चाहिए आपको, किस तरह से डेटा सेंड करें, किस तरह से पोस्ट का यूज करें, ठीक है, और कैसे एक्सेस करें वैल्यू।
यहाँ ये इस तरह से बटन आ रहा है, मैं इसमें वैल्यू अगर दूंगा तो वो जो आप लिखना चाहेंगे, ठीक है, बटन के ऊपर टेक्स्ट वो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। मैं सबमिट लिख देता हूँ, देखिए यहाँ सबमिट आ जाएगा, जो क्वेरी लिखा था वो हट गया डिफॉल्ट वाला। तो जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू होगी यूआरएल पर वो सेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो होता है वो गेट होता है, यानी डिफॉल्ट गेट मतलब गेट में क्या होता है कि जो यूआरएल होता है उस पर आपका जो फॉर्म का जो डेटा जा रहा होता है वो सब दिखाई दिया दे जाता है कि देखिए ये नेम है, ये ईमेल है। अगर गेट यूज करेंगे तो वो डेटा दिखाई देता है यूआरएल पर। और अगर आप पोस्ट का यूज करते हैं तो वो यूआरएल पर दिखाई नहीं देता है। ये अंतर होता है, और भी थोड़ा अंतर है, वो धीरे धीरे हम देखेंगे जानेंगे, ठीक है। गेट में जो आप डेटा सेंड करते हो वो लिमिटेड होता है, और पोस्ट में आप ज़्यादा डेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने नेम और ईमेल सेंड किया, अब यूआरएल पर सेंड हो गया, तो वहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन पोस्ट अगर मैं यूज करूँगा तो देखिए पोस्ट में यूआरएल पर आपको दिखाई नहीं देगा, देखिए ये डेटा गया और ये पोस्ट पर आपको दिखाई नहीं देगा यूआरएल पर। और देखिए गेट करके देखते हैं, देखिए गेट पर आ गया, ठीक से एक बार और दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो गेट और पोस्ट में अंतर है, गेट से डेटा आपका यूआरएल पर शो होगा, जो कंट्रोल्स का जो डेटा है, फॉर्म कंट्रोल का डेटा जो एंटर कर रहे हैं आप फील्ड्स, लेकिन पोस्ट में ऐसा नहीं होगा। चलिए इसको हटा लेते हैं थोड़ा, फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, अभी बेसिक लेकर चल रहे हैं। तो ये तो हो गया गेट और पोस्ट, ठीक है। तो अब एक चीज और देख लेते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू आ रही है कंट्रोल से वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने पीएचपी टैग लिया, पीएचपी स्क्रिप्ट, और उसमें हमने लिखा डॉलर, एक वेरिएबल नेम लिया, उसके आगे हमने लिखा है डॉलर पोस्ट और ये फील्ड का नाम, जो नेम जो आपने फॉर्म में जो इनपुट लिया एक, जिसका जो नेम है वो नेम है। तो आप उसकी, अगर आप फॉर्म को पोस्ट कर रहे हैं, डॉलर पोस्ट का यूज कर रहे हैं, तो देखिए ये अनडिफाइंड आ रहा है। अब क्यों आ रहा है वो अभी देखेंगे हम, अनडिफाइंड दिखा रहा है। और जैसे हमने एंटर किया नेम लिखकर तो वो समय दिखा दिया उसने। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये दिखा दिया उसने। और इसको अगर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो आपको ही दिखाएगा, ये नोटिस देगा अनडिफाइंड है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, तो आपने न्यू फीचर देखी होगी पीएचपी का, न्यू फीचर्स में क्या होता है, हम डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम वो लिखते हैं जो मतलब जो हमें एरर वाले पार्ट, समझ लीजिए, अगर है तो वो दिखा दे और नहीं है तो वो फिल द नेम शो कर दे। जैसे आपने पहले देखा होगा ना पीएचपी में, इस सेट करके आप यूज करते थे और सिंगल टर्नरी ऑपरेटर आता था, तो उसमें दो लंबा सिंटैक्स होता था। लेकिन नए में ऐसा नहीं है, नए में सिर्फ आपको लिखना है डॉलर पोस्ट और फील्ड का नाम नेम। अब देखिए यहाँ वो दिखा रहा है फील्ड का नेम, तो वो नोटिस खत्म हो गया। और उसके बाद आपने डबल टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद वो पार्ट आएगा जो आप शो करना चाहते हैं, अगर उसमें वैल्यू अगर सेट नहीं है तो, ठीक है, नेम अगर सेट नहीं है तो। अब देखिए हमारा सेट नहीं था तो फिल द वैल्यू, फिल द नेम, और सेट है तो आपको नेम दिखा दे, तो ये आपको आता होगा, ठीक है। आपने देखा होगा न्यू फीचर्स अगर पढ़ेंगे तो। इसी तरह से एक बार और देख लेते हैं, ईमेल का देख लेते हैं। देखिए मैंने एंटर किया, यहाँ इसने नेम तो शो कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ईमेल अभी, हाँ ईमेल हमने अभी एसेज नहीं किया है इसकी वैल्यू को, इसलिए कुछ भी मिस्टेक नहीं थी, नोटिस नहीं है। तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ ईमेल एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं डॉलर पोस्ट और ईमेल जो फील्ड का नाम है फॉर्म में वो पोस्ट के अंदर मैं दे देता हूँ। और यहाँ लिखता हूँ, देखिए यहाँ लिखा फील्ड का नेम, और यहाँ हमने लिखा नेम, और यहाँ अब मैं एंटर किया मैंने, देखिए यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं पहले पेज को, और यहाँ लिखा फिल्टर नेम, ये क्यों नहीं आ रहे। अच्छा वो वहाँ नोटिस नहीं आएगा क्योंकि हमने वहाँ वो नेम का हमने वो लगा दिया सेट, जो पूरा सिंटैक्स है ना कि अगर वो सेट है तो दिखाया, नहीं है तो दिखाया फिल्टर नेम, ठीक है, इसलिए नोटिस नहीं आया वहाँ पर। तो ये तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो आपको यही करना होगा कि वैल्यू सेट है नहीं है, अगर सेट है, ठीक है,
तो वो शो कर दे नेम या ईमेल, और सैड नहीं है तो मैसेज दे दे मेल। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सब चीज़ें इसमें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। जो बिगनर्स को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद वैलिडेशन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए नोटिसेज यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, ये ईमेल का नोटिस आ गया, मैंने हटा के आपको दिखाया इसमें। तो अब इसके बाद हम डबल को ये लगाना है क्वेश्चन मार्क उसके बाद। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इतना समय निकाला।